हेलो, वेलकम टू AIBA। सो आज हम स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 1। पहला लेक्चर है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। सो बेसिकली हमें ये समझना है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग है क्या। उसके अलावा हमें ये समझना है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के यूजेस कहाँ कहाँ होंगे। और फिलहाल हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो वर्टिकल स्टेटमेंट है वो हमारा मेन चैप्टर होगा। आज उसी चीज़ से फोकस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब है क्या, हम करने क्या वाले हैं। ये हमारी कंपनी का एक बैलेंस शीट है जो बेसिकली लायबिलिटी एसेट दिखा रहा है आपको, राइट। सो अभी तक हमने ऐसा देखा है कि हमारा जो बैलेंस शीट बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है कि हमारे पास कुछ इक्विटी शेयर कैपिटल है, कुछ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास 1,00,000 रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल है, 2,00,000 रुपए के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, यानी कि हमारा शेयर कैपिटल है। हमारे पास कुछ रिजर्व एंड सरप्लस है, मान लीजिए उसमें प्रॉफिट एंड लॉस है 10,000 का, कुछ सिक्योरिटीज प्रीमियम है 20,000 का, और हमारे पास कुछ जनरल रिजर्व है 30,000 का, ओके। उसके अलावा हमारे पास कुछ बैंक लोन है जो हमने बैंक लोन लिए हैं एज अ लाइबिलिटी 50,000 रुपए की, और करंट लाइबिलिटी में हमारे पास कुछ क्रेडिटर्स हैं 50,000 के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 20,000 के, जिसमें ये अजम्पशन बेसिस पे कर रहा हूँ, ठीक है। सो कुछ हमारे बिल्स पेएबल हैं 30,000 के, प्लस कर देते हैं तो ये 1,00,000 प्लस 2,00,000 3,00,000 3,00,000 4,00,000 10,000 एंड 5,00,000 10,000, ओके। इस तरह बातें हमारे पास असेट्स पे क्या क्या दिखता है, फिक्स असेट्स। मान लेते हैं हमारे पास कुछ लैंड बिल्डिंग है 1,00,000 रुपीज की, कुछ फर्नीचर एंड फिक्स्चर्स हैं 50,000 की, कुछ प्लांट एंड मशीनरी है हमारे पास 50,000 की, कुछ इन्वेस्टमेंट है हमारे पास सपोज करते हैं 2,00,000 रुपए की, करंट लायबिलिटी है हमारे पास, सॉरी करंट असेट्स है हमारे पास डेटर्स 50,000, 4,50,000, और बैंक है हमारे पास 20,000, स्टॉक है हमारे पास 10,000। सो ये अमाउंट होता है लगभग 2,00,000, 4,00,000, 4,00,000 18, एंड मिसलिनियस एक्सपेंडिचर है हमारे पास 30,000 का, तो नियर बाई ये बनता है आपका 5,10,000, ठीक है। सो जब कभी भी हम वर्टिकल स्टेटमेंट बनाते हैं तो ये हमें ऑलरेडी दिया होगा, इसको इस वे में लिखना है हमें कि सामने वाले को यह समझ में आए कि हमने जो लिखा है वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है या उसको समझ में आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हम अकाउंट्स के फील्ड से हैं, यानी कि हमने अकाउंट्स के फील्ड से हम ये वर्क कर रहे हैं, तो अकाउंट्स के फील्ड में हमें पता है कि डेबिट का मतलब क्या है और क्रेडिट का मतलब क्या है, ठीक है। लेकिन बेसिकली जो कोई भी डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, उनके लिए इस डेबिट और क्रेडिट का मतलब शायद उन्हें ना पता हो, क्योंकि हमने ये पढ़ा है तो हमें ये चीजें पता है, बट उन्हें नहीं पता है। तो हमें इस स्टेटमेंट को, ये जो बैलेंस शीट हमारा बना हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको इस वे में लिखना है कि हर कोई इसको समझ सके, चाहे वो अकाउंट्स के फील्ड का हो या ना हो। उस चीज के लिए हम क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहे हैं। जब कभी भी आप किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट देखोगे तो आपको कुछ उसी वे में मिलेगा जैसा हम अभी सीखने जा रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं वर्टिकल स्टेटमेंट। यानी कि आज का जो हमारा चैप्टर है वो है वर्टिकल स्टेटमेंट, मतलब हमारी कंपनी का वर्टिकल स्टेटमेंट कैसे बनेगा, यानी वर्टिकल स्टेटमेंट वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेटमेंट। बेसिकली अगर मैं बात करूं
तो यहाँ पर हम पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं कुछ टीवाई बीकॉम के बच्चों की जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, या तो फिर अगर आप मुंबई के बाहर से हो या आप आउट ऑफ द महाराष्ट्र हो, तो ऐसे केस में भी आपको ये कहीं ना कहीं कॉस्ट अकाउंटिंग में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं पे आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मिल जाएगा। तो आज हमारा पर्पस है सिर्फ इस वर्टिकल स्टेटमेंट को समझना, यानी कि इस बैलेंस शीट को किस फॉर्म में मैं दिखाऊं कि मुझे इजी वे में लोगों को अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है ना। तो पहले आप ये लिख लीजिए। अब इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे आपके वर्टिकल स्टेटमेंट में। तो पहले वर्टिकल स्टेटमेंट समझेंगे, उसका फॉर्मेट समझेंगे, बाद में इस क्वेश्चन को हम उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं टी फॉर्मेट, जो कि ओल्ड है। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि किस तरह से इस चीज को हम लिखेंगे। ये लिखिए आप लोगों ने। यस, हम करने जा रहे हैं वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि हमने जो अभी क्वेश्चन लिया था उस चीज को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहला पर्पस है आपका इस चीज के फॉर्मेट को समझना। पहले हम फॉर्मेट को समझेंगे, उसके बाद हम इसको ये बताएंगे कि उस चीज को हम इसमें कैसे रखेंगे, यानी कि जो हमने पहले क्वेश्चन लिया था उसको कैसे रखेंगे। चलिए, सबसे पहली चीज कंपनी कहती है, अभी तक हमने क्या सोचा था कि लायबिलिटी जो साइड थी हमारी, अगर बेसिकली हम क्या करते थे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लायबिलिटीज दिखा देते। आज हमारा पर्पस वो नहीं है, हमारा पर्पस किसी को समझाना है कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है ना। यानी कि मेरा पर्पस क्या है, मुझे पता है कि बैलेंस शीट टैली होगा तो अच्छी बात है, तो टैली ही होता है। आज मेरा पर्पस को टैली करना नहीं है, आज मेरा पर्पस है सामने वाले को समझाना। अगर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी है, वो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का है, तो उसे मेरा स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम उसको बता रहे हैं कि सोर्सेस ऑफ फंड, हम उसको ये नहीं बताएंगे कि हमारी लायबिलिटी साइड है, हम उसको क्या बताएंगे कि सोर्सेस ऑफ फंड, बिजनेस में पैसा कहां से आता है, राइट है। तो सिंपल सा लॉजिक है, बिजनेस में पैसा दो जगह से आ सकता है। पहला, शेयर होल्डर फंड से, यानी कि ओनर के पास से। कंपनी में ओनर कौन, शेयर होल्डर्स, या तो शेयर होल्डर के पास से, या तो फिर वो पैसा बोरो करके, इसको हम बोलते हैं बोरोड कैपिटल, या तो बोरोड फंड, ठीक है ना। यानी बिजनेस में पैसा दो जगह से आएगा, शेयर होल्डर फंड यानी ओनर लाएगा, या तो फिर बोरोड फंड यानी कि हम पैसा मांग के लेके आएंगे बाहर वालों से, यानी बैंक से लोन लेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम समझते शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड का मतलब कंपनी के ओनर का पैसा। तो कंपनी के ओनर का पैसा कौन सा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले कंपनी के ओनर के पैसे की बात करते हैं। तो कंपनी का ओनर का जो पैसा है वो सबसे पहले है शेयर कैपिटल, ठीक है। यानी कि कंपनी का ओनर जो है उसका पहला पैसा कौन सा है, शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल में दो चीजें पॉसिबल है, एक तो हो गया आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये दो चीजें पॉसिबल है जो शेयर कैपिटल का पैसा है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये दोनों को प्लस करने पे जो आएगा उसको हम क्या कहेंगे, शेयर कैपिटल, क्लियर है। अच्छा, दूसरा पैसा जो इनका ही है उसको हम बोलेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड
रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब जितने भी रिजर्व्स आपके पास है वो सब रिजर्व को हम प्लस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट एंड लॉस है, जनरल रिजर्व है, ठीक है ना। तो ये दोनों को प्लस कर दिया और प्लस करके हमने आउटर कॉलम में ले लिया। मतलब कंपनी के ओनर का एक तो शेयर कैपिटल ए, दूसरा उसका पैसा बी, रिजर्व एंड सरप्लस। तो ओनर के शेयर कैपिटल में उसका रिजर्व प्लस हो गया, यानी जो भी पैसा हमारे पास रिजर्व है वो किसका है, ओनर का है। सी, इस पैसे में से माइनस कर दो। देखिए अगर प्रॉफिट इसका है तो लॉस भी तो इसी का होगा, सही बात है। तो उसके कैपिटल में प्रॉफिट तो ऐड किया तो माइनस कर देंगे उसके लॉस, जिसको हम कहते हैं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अगर माइनस होता है ओनर का कैपिटल, ओनर का प्रॉफिट, ओनर का लॉस, प्लस माइनस करके जो आएगा उसको हम कहते हैं शेयर होल्डर फंड। यानी कि बिजनेस में पहला पैसा कहां से आया, शेयर होल्डर फंड। मतलब ये आंसर हमारा शेयर होल्डर फंड है, क्लियर ना। ये बात हो गई कंपनी में ओनर पैसा कहां से ला रहा है उसका हिसाब किताब। अब दूसरा आता है बोरोड फंड। अब बिजनेस में ओनर ने जो पैसा लाया उसका हिसाब किताब ये रहा। बोरोड फंड का मतलब हमने बाहर से पैसा बोरो किया, तो बोरो का मतलब सिंपल सा है, या तो वो आपने सिक्योर लोन लिया होगा या तो आपने अनसिक्योर लोन लिया होगा, राइट है। और ये दोनों को प्लस करने के बाद जो आएगा, ठीक है, वो आपका किसका आंसर होगा, बोरोड फंड का, राइट है। यानी कि बिजनेस पैसा कहां से है, सोर्सेस ऑफ फंड, शेयर होल्डर फंड से और बोरोड फंड से। ये दोनों को प्लस करने के बाद जो भी आएगा, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट है। सो ये बात हो गई हमारे पैसे लाने की। आज आप लायबिलिटी और असेट साइड में सोचिए, आज आपका पर्पस क्या है, सामने वाले को ये बताना कि वो पैसा कहां से आ रहा है, ठीक है ना। तो बिजनेस में पैसा कहां से आया, शेयर होल्डर के पास से या तो फिर बोरोड करके। शेयर होल्डर के पास से जो पैसा आया उस पैसे से हमने जो कमाया और जो हमने लॉस किया वो सब प्लस माइनस करके शेयर होल्डर फंड आ गया। और दूसरा आपका बोरोड फंड, बोरोड फंड का मतलब सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन, दोनों को प्लस किया तो क्या मिल गया आपका, बोरोड फंड। ये दोनों को प्लस करने पे जो भी आ गया वो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लियर है। अच्छा ये तो बात होगी किस साइड की, यानी कि अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपका पहला वाला प्लस सेकेंड, यानी पहले का आंसर ये रहा और सेकेंड का आंसर ये रहा, ये दोनों को प्लस करके जो आएगा वो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, क्लियर है। नो, अब इसके बाद दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू हमारा, जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। मतलब बिजनेस में मैंने जो पैसा लाया है वो पैसा कहां यूज हुआ, ठीक है। आज आपका पर्पस वो नहीं है कि हमें लायबिलिटी रसेस बताना है, आज हमारा पर्पस एक ही चीज है कि सामने वाले को समझ में आए। तो हम उसको ये समझा रहे हैं कि इतना जो पैसा मैंने लाया, ठीक है, वो मैंने कहां यूज किया, यानी उस पैसे से मैंने क्या क्या किया। तो उस पैसे से सबसे पहले मैंने फिक्स असेट्स खरीदे, राइट है। जितना भी मेरे पास फिक्स असेट्स है उसमें से लेस डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद जो भी पैसा बचेगा वो आपका किसका आंसर होगा, फिक्स असेट्स का, क्लियर है। सेकेंड ऑप्शन, उस पैसे से मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं, इन्वेस्टमेंट का आपका जो भी आंसर होगा वो आपके थर्ड कॉलम में, राइट है। और तीसरा इसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, सो वर्किंग कैपिटल का बेसिक मतलब क्या है, सबसे पहले वर्किंग कैपिटल में ए करंट असेट्स। जो भी आपके करंट असेट्स है आप उसको प्लस कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल डेटर्स है, बैंक है, बिल्स रिसीवेबल है, वो सबको आप यहां प्लस कीजिए और आउटर कॉलम में उसका आंसर लीजिए।
यानी ये जो आंसर होगा वो किसका होगा, करंट एसेट्स का। यहां से लेस करेंगे बी करंट लाइबिलिटीज, ठीक है ना। तो करंट लाइबिलिटीज जब यहां से माइनस होगी और जो आएगा उसको हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल, राइट है। सो फिक्स एसेट्स का आंसर ये रहा, इन्वेस्टमेंट का आंसर ये रहा, और वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी जो आएगा वो आपका वर्किंग कैपिटल। ये तीनों को प्लस करने पे जो आएगा उसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, वन प्लस टू प्लस थ्री, ओके। और अगर ये आंसर और ये आंसर मैच हो गया इसका मतलब आपका आंसर स्टेटमेंट राइट है, मैच होगा, नो डाउट मैच होगा, लेकिन वो मैच होने के लिए हमें स्टेटमेंट में इस तरह से उस फॉर्मेट को रखना है। तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मेट है वर्टिकल फंक्शन स्टेटमेंट, इस तरह से आपका फॉर्मेट बनता है, ठीक है ना। तो आप एक बार फॉर्मेट लिख लीजिए स्क्रीन को पॉज करके, ठीक है। उसके बाद हम उस सम को जो सम हमने स्टार्टिंग में लिया था उस सम को इस स्टेटमेंट, इस वर्टिकल स्टेटमेंट में रखते हैं। होप सो आपने ये लिख लिया होगा। सो आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली हमें करना क्या है, अभी तक हमने जो समझा कि जो टी फॉर्मेट था हमारा लायबिलिटी और असेट्स का, उसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, वर्टिकल फंक्शन स्टेटमेंट, यानी ताकि हर किसी को समझ में आए कि हमने किस वे में लिखा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस फॉर्मेट को एक तो आपको याद रखना है पहली चीज कि किस तरह से हमें वो कन्वर्ट करना है, और दूसरा अभी हम एक सम लेते हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको लिखाया था, जो आपने होप सो पहले लिख लिया होगा एक टी फॉर्मेट, तो वही क्वेश्चन को मैं वापस से करने जा रहा हूँ, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। सो हमने जो क्वेश्चन लिखा था इसके पहले एक बार और रिकैप करके लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या था हमारा, यस इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख, 2 लाख रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस 10,000 अंडर द हेड, अंडर द हेड प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 30,000 बैंक लोन, बैंक लोन 50,000 and current liabilities, current liabilities and then creditors, creditors 50,000 outstanding expenses, outstanding expenses 20,000 and bills payable 30,000 so total is 5 lakhs, 5,10,000 ये हो गया मेरा liability side। एसेट साइड में क्या क्या हमारे पास, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट्स, यस फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स में आ गया हमारा लैंड एंड बिल्डिंग हाउ मच, 1 लाख, 1 लाख फर्नीचर एंड फिक्स्चर, फर्नीचर एंड फिक्स्चर 50,000 प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 50,000 इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 2 लाख, 2 लाख नाउ करंट एसेट्स, करंट एसेट्स डेटर्स,
current assets and debtors. Yes. 50,000. Bank. 20,000. 20,000. Stock. 10,000. 10,000. Miscellaneous expenses. 30,000. 30,000. 5 lakh. 10,000. 5 lakh. 10,000. चलिए. So ये हमारा question है. इस क्वेश्चन को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैंने आपको बताया था सोर्सेस ऑफ फंड का मतलब शेयर होल्डर फंड. पैसा कहां से आएगा? तो पैसा लाने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे किसके पास? शेयर होल्डर फंड, यानी शेयर होल्डर से पैसा लाएंगे. तो शेयर होल्डर से पैसा लाने का मतलब सबसे पहले हमें पैसा मांगना है शेयर कैपिटल का, और शेयर कैपिटल में हमारे पास है इक्विटी शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपए, ठीक है ना. दूसरा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है हमारे समय 2 लाख रुपए का. ये दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 लाख रुपीस, राइट है. तो ये हो गया हमारा शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल के बाद सेकेंड हेडिंग है इसके अंदर ही रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले आ गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो है आपका 10,000. सिक्योरिटी प्रीमियम है आपका 20,000, और जनरल रिजर्व है आपका 30,000, राइट है. तो पीएनएल भी हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, ये तीनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपका 60,000, राइट है. और यहां से माइनस हो जाएगा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, राइट है. तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर आपको यहां दिख रहा है, माइनस करेंगे 30,000. सो शेयर होल्डर फंड आपका कैसे आ रहा है? ए शेयर कैपिटल, बी रिजर्व एंड सरप्लस, सी मिसलेनियस, यानी ये दोनों को प्लस करना, इसको माइनस करना. सो माइनस का मतलब आपका ब्रैकेट, अगर मैंने ब्रैकेट डाला इट मींस मैं माइनस करने वाला हूं. तो 3 लाख प्लस 60 माइनस 30 इज 3 लाख 30,000, ठीक है ना. अब उसके बाद आता है आपका शेयर होल्डर फंड के बाद सेकेंड बोरोड फंड. अगर मैं बात करूं आपके बोरोड फंड की, तो बोरोड फंड में सबसे पहले आ जाएगा ए सेक्योर्ड लोन, और सेक्योर्ड लोन के हेडिंग में है आपका बैंक लोन. अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको बैंक लोन दिख रहा होगा, इसको मैंने सेक्योर्ड माना है क्योंकि हमने बैंक से लोन लिया है तो हमने सेक्योर्ड लिया है. तो 50,000 आपका सेक्योर्ड लोन हो गया. क्या हमारे पास बी अनसेक्योर्ड लोन कुछ है? अनसिक्योर्ड लोन नहीं है, इसके लिए मैंने इसको नील ले लिया. तो ओवरऑल हमारे पास 50,000 आ गया. किस चीज का पैसा? बोरोड फंड. और ये दोनों को प्लस करने पे जो आएगा 3,80,000, वो हो गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड. ये हो गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है. सो कैपिटल एम्प्लॉयड के पास सबसे पहले आ जाएगा आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड. हमने बिजनेस में 3,80,000 रुपए लाए, और वो 3,80,000 ने कहां खर्च किया? तो सबसे पहला फिक्स असेट्स. तो जो भी हमारे फिक्स असेट्स है वो लिख लेते हैं. फिक्स असेट्स में है हमारे पास लंदन बिल्डिंग इज नियर बाय 1 लाख, फर्नीचर एंड फिक्स्चर इज 50,000, राइट है. फर्नीचर एंड बिल्डिंग, और एक हो गया हमारा प्लांट एंड मशीनरी. तो प्लांट एंड मशीनरी है हमारा 50,000, तो पूरा मिला के हो गया 2 लाख रुपए. ठीक है, लेस डेप्रिसिएशन जो कि सबने नहीं दिया हुआ है, तो डेप्रिसिएशन नहीं,
आउटर कॉलम में 2 लाख रुपए, ठीक है ना। अब उसके बाद आ गया आपका सेकेंड इन्वेस्टमेंट, और हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट है डायरेक्टली 2 लाख रुपीज का, तो ये आउटर कॉलम में 2 लाख, ठीक है, क्योंकि एक ही है। थर्ड वर्किंग कैपिटल, सो वर्किंग कैपिटल में सबसे पहले आ जाएगा आपका एक करंट असेट्स, और अगर हम करंट असेट्स की बात करें तो हमारे पास करंट असेट्स में है डेटर्स जो कि है हमारा 50,000, दूसरा है हमारा बैंक जो कि है 20,000, और तीसरा है हमारा स्टॉक जो कि है 10,000, सबको प्लस किया तो आ गया आपका 80,000, राइट है। सो 80,000 के बाद मैं इस तरफ कंटिन्यू कर रहा हूं, यहां ध्यान दीजिए आप लोग। सो इस 80,000 में से करंट असेट्स हो गया, लेस करेंगे बी करंट लाइबिलिटीज। तो अगर करंट लाइबिलिटीज की हम बात करें तो हमारे पास करंट लाइबिलिटीज के नाम पे ये सब तो हो गया, क्रेडिटर्स है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और बिल्स पेबल है। चलिए तो सबसे पहले आ गया आपका क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स हो गया आपका 50,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ गया आपका 20,000, और बिल्स पेबल आ गया आपका 30,000। अगर सबको प्लस करेंगे तो ये आ गया 1 लाख रुपीज, राइट है। तो रूल ये था वर्किंग कैपिटल का कि करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, राइट है। तो करंट असेट्स है 80,000, करंट लायबिलिटी है 1 लाख, तो 80,000 माइनस 1 लाख माइनस में 20,000, राइट है। सो हमारा पहला आंसर आया है यहां पर फिक्स असेट्स का 2 लाख रुपए, इन्वेस्टमेंट का 2 लाख रुपए, और वर्किंग कैपिटल का माइनस में 20,000। तो 2 लाख प्लस 2 लाख इज 4 लाख, एंड 4 लाख माइनस 20,000 इज 3 लाख 80,000। ये हो गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, सो 3 लाख 80,000 एंड 3 लाख 80,000, मतलब हमने बिजनेस में 3,80,000 रुपए लाए थे, वो 3,80,000 हमने इस तरह से बिजनेस में यूज किए, क्लियर है। तो ये होता है हमारा वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द एग्जांपल, ओके। ये है आपका एग्जांपल नंबर 1, ओके। कुछ एग्जांपल्स हम और करेंगे इसके बाद, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स में। और उसके अलावा हमें अब समझना है जो आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट, उसमें हम समझेंगे कि वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट कैसे बनेगा, यानी आपका प्रॉफिट एंड लॉस, और ट्रेडिंग को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। आज मैंने बात की है बैलेंस शीट को कन्वर्ट करने की, यानी कि आपका जो बैलेंस शीट होगा वो वर्टिकल स्टेटमेंट कैसा दिखेगा। इसके बाद बचता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ योर रेवेन्यू, इन द सेंस ट्रेडिंग और पीएनएल को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो उसके बाद के लेक्चर्स में देखेंगे। होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, थैंक यू सो मच।